विधानसभा चुनाव में सना मलिक की प्रबल दावेदारी। किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है आपको? जैसे आप जानते हैं पिछले 5 सालों से राजनीति में हमने पिताजी के साथ जब उनके नेतृत्व के खाली काम करना चालू किया और 7 सालों से पूरे अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में हमने सोशल कॉज के लिए काम करते ही रहे, तो एक ज़मीनी तौर पे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोग पहचानते हैं और लोग हमारे को इस काम करने वाले लोगों के नाम से जानते हैं। तो जिस तरीके से काम किया है उसी तरीके से प्रतिसाद भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। किसी को हमारे को पहचान देने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लोग बहुत खुश हो रहे हैं जब हम उनके दरवाजे पहुँच रहे हैं। तो प्रतिसाद के नाम पर तो लोगों ने यही बोला है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपने काम किया है और आपका काम बोल रहे हैं। आप घर ही चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यह चुनाव आपका व्यक्तिगत चुनाव होता जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार के तरफ से AB फॉर्म भरा है जिसमें हमारा चिन्ह घड़ी है, और पिछले 15 साल से जब अनुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र एक नया डिलिमिटेशन के बाद शुरू हुआ था, मतलब एक बना था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीतपुर से अनुशक्ति नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रही सना मलिक को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सना मलिक का कोई भी विरोधी है ही नहीं। महाराष्ट्र नगर में सना मलिक ने चुनावी पदयात्रा शुरू की जिसमें महिलाओं का हुजूम देखने को मिला। जगह जगह पर महिलाओं ने उनका स्वागत किया। वहीं सना मलिक ने हाथ जोड़ लोगों का अभिवादन करते हुए अपनी जीत की अपील की। देखें ये रिपोर्ट। विधानसभा 172 की अगर बात की जाए तो सना मलिक से, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनावी जंग में उतरी है, आज लोगों का भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में किस तरीके से महिलाएं उनसे गले मिलते हुए नजर आ रही है। गत 4 वर्षों का जो उनका एक अभिन्न कार्य रहा है, ये बिल्कुल सराहनीय कार्य रहा है। आज लोगों का भरपूर सहयोग और प्यार उन्हें मिल रहा है। ये इन तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से महिलाओं के हित की बात वर्तमान सरकार ने की, और कहीं न कहीं सना मलिक शेख, जो कि अनुशक्ति नगर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरी है, आज जबरदस्त तरीके से लोगों का अभिवादन मिल रहा है। ये नज़ारा है जहां हजारों हजार की संख्या में महिलाएं उनके पीछे, हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि लगातार तंग गलियों में से गुजर रही है सना मलिक, और लोगों का ये जो भरपूर सहयोग मिल रहा है, ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां ये अष्ट विनायक चाल का है। इसी तरीके से कई चालों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जहां तंग गलियों से गुजर रही हैं सना मलिक और लोगों का भरपूर सहयोग कहा जा सकता है, प्रतिसाद मिलते हुए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रबल दावेदारी सना मलिक शेख की होते जा रही है। किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है आपको? जैसे आप जानते हैं पिछले 5 सालों से राजनीति में हमने पिताजी के साथ जब उनके नेतृत्व के खाली काम करना चालू किया और 7 सालों से पूरे अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में हमने सोशल कॉज के लिए काम करते ही रहे, तो एक ज़मीनी तौर पे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लोग पहचानते हैं और लोग हमारे को इस काम करने वाले लोगों के नाम से जानते हैं। तो जिस तरीके से काम किया है उसी तरीके से प्रतिसाद भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं। किसी को हमारे को पहचान देने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लोग बहुत खुश हो रहे हैं जब हम उनके दरवाजे पहुँच रहे हैं। तो प्रतिसाद के नाम पर तो लोगों ने यही बोला है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपने काम किया है और आपका काम बोल रहे हैं। आप घर ही चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यह चुनाव आपका व्यक्तिगत चुनाव होता जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार के तरफ से AB फॉर्म भरा है जिसमें हमारा चिन्ह घड़ी है, और पिछले 15 साल से जब अनुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र एक नया डिलिमिटेशन के बाद शुरू हुआ था, मतलब एक बना था, तब से हम पूरी ताकत से अपने पिताजी के साथ उनके हर चुनाव में कैंपेन के लिए उतरते थे। और हमने एक ही चीज़ देखा है पिछले 15 सालों में, मतलब 3 इलेक्शन देखा है, ये 4th इलेक्शन है कैंपेन का, इस बार मैं खुद खड़ी हूँ। तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने काम के आधार पर वोट मांगा है, और जब जब हमने नवाब मलिक साहब के कैंपेन में उतरा है तो वो उनका व्यक्तिगत चुनाव ही रहा है, और हमेशा हमें लोगों ने उस तरीके से ही स्वीकारा है। अभी हमारे ऊपर पूरा भरोसा है और हमें एक विश्वास है कि ये भरोसा और विश्वास जो है 20 तारीख के दिन घड़ी के बटन दबा के लोग पूरा करेंगे और 23 तारीख के दिन हम विजयी होंगे। महिला सशक्तिकरण की बात की तो वर्तमान सरकार काफ़ी जोर दे रही है,
और महिला होने के नाते किस तरीके का आपको क्या लग रहा है कि चुनावी जीत हमारी महिला होने के नाते अवश्य होनी? भाई महिला जो है अपने सोसाइटी के पिलर्स होते हैं और महिला के अंदर एक टैलेंट होता है कि वो मल्टीटास्किंग करती है, साथ ही साथ बच्चे और घर को भी संभाल लेती है, अपने कामकाज में भी बाहर निकल जाती है और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें कि अगर महिला सक्षम है तो घर बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है। इसी तरीके से महिला को सक्षम करने के लिए जो भी सरकार काम करती है हम उसकी तारीफ करते हैं। और जहाँ तक पिछले कुछ दिनों में लास्ट हमने बजट में जब देखा था जो योजनाएं आए महिलाओं को फ्री गर्ल एडुकेशन के लिए या लाड़की बहन के लिए, उसका बहुत ही प्रतिसाद लोगों के बीच में है और कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट हम जब लोगों के बीच में जाते हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उनके जो फॉर्म भरने थे एप्लीकेशन में उन लोगों का हर तरीके से सहयोग किया है तो उसका भी एक प्रतिसाद जो है हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। इस चुनाव में आप प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देख रहे हैं? सिर्फ सना मलिक है और कोई नहीं है टक्कर में। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से जन सैलाब उभरा है आज सना मलिक शेख के चुनावी प्रचार के दौरान, यानी महिलाएं हो या सना आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सना आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या रिजल्ट रहेगा इस बार सना मलिक शेख का? ऑन साइड आने वाला है, सना मलिक का टक्कर कोई है ही नहीं। 70,000 से 80,000 लीड से साना मैडम आने वाला है, जीतने वाले। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि साना मैडम अपना एरिया में गले 3-4 साल से बहुत काम कर रही है और उनका जो काम का जो इरादा है जो सब जनता के पास गया है और वो उनको 99% के 100% से उनको जीत के लाएंगे और ये जीत ही है। ये अगले 23 तारीख आप देखेंगे सना मैडम का पूरा जोर से यह पूरा अनुशक्ति नगर में बहुत बड़ी रैली निकले, जैसा उनका जो हम लोगों ने फॉर्म भरते टाइम उसका इतना जल सैलाब था, उनका इतना प्यार करते इतना मोहब्बत करते वो बेस पे और वो काम करते वो काम के बेस पे उनको वोटिंग मिलेगा और वो सबके घर घर में दिल दिल में अपना सना मैडम बैठी है। 99% 100% मैडम चुन के जीत के आने वाली नहीं आली आ गई है, वही आपका जो आज को जो आप देख रहे रैली हुई उसमें जो जल सैलाब फैला हुआ है वो उनको प्यार मोहब्बत के वजह से सब उनके साथ में रहते हैं। आप देखेंगे कि 23 तारीख को हम लोग वही जोलिस में आपको सना मैडम को हमको क्या कहना चाहेंगे साथ है। या ठिकाणी स्थानिक उमेदवार सना मलिक मैडम यांना एवढा प्रचंड लोकांच्याकडून प्रतिसाद आहे आणि त्याला प्रतिसाद देण्याला कारण एकमेव असं कारण आहे की त्यांनी कुठल्या जाती धर्माचं या प्रांताचं किंवा छोट्या मोठ्याचं राजकारण न करता जनतेमध्ये जाऊन त्यांचं जे काम आहे ते स्थानिक विभागाचा विकास करण्याचं जे ध्येय आहे ते ध्येय त्यांनी आत्तापर्यंत पूर्ण केलं आहे आणि निवडून आल्यानंतर याच्यापेक्षा 10 पटीने अजून काम करतील विकासाचं, त्यामुळे त्यांच्या कामावरती लोकांनी विश्वास ठेवून त्यांना प्रतिसाद दिला आहे म्हणून सना मॅडमला प्रचंड बहुमताने येथील स्थानिक जनता निवडून दिली याची आम्हाला 100% गॅरंटी आहे। आपलं मत घड्याला स्थानिक कार्य सम्राट उमेदवार सनाताई मॅडम यांना प्रचंड बहुमताने विजय करा। साथ येणाऱ्या 20 तारखेला सनाताई मॅडम यांना प्रचंड बहुमताने क्या पोजीशन रहेगी इस बार? इस टाइम भारी बहुमत से जीत के आने वाली है मैडम। तो आपने देखा इस चुनाव में कहीं ना कहीं हर जगह जाते हुए जो सना मलिक को दिखाई दे रहा है, यानी सना मलिक जहां भी जा रही हैं एक महिलाओं का एक प्रतिशत देखने को मिल रहा है, काफ़ी अभिवादन किया जा रहा है उन्हें, वहीं हम आपको बताना चाहेंगे ये जबरदस्त जीत कहीं जा सकती है 2024 के चुनाव में अनुशक्ति नगर विधानसभा से सना मलिक शेख का।